तो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं अपने तूफान के साथ टॉप के ऊपर। आप देख सकते हैं कि यहाँ का व्यू जो है वो गजब ही है, बहुत ही सही लगता है यहाँ से गजब का व्यू। और ये मेरी एक फेवरेट जगह बन गई है, और आपने देखा कि बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं और कई लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। पर जितना अच्छा लगता है यहाँ पर पहुँचना, एक एडवेंचर लगता है, उतना ही डर भी है भाई, टेरर है। क्योंकि यहाँ से अगर गए तो आप नीचे पहुँचेंगे सीधे बॉटम में, नीचे सड़क दिख रही होगी वहाँ तक। तो गाइज आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राइडर शक्ति में, और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट शक्ति सिंह। तो गाइज आज हम कर रहे हैं एक अनबॉक्सिंग। तो आप देख सकते हैं ये एक पार्सल पहुँचा है, बाइक फोन होल्डर। तो बाइक फोन होल्डर भेजा गया है मेरे को ये वोवो की तरफ से, ये बैंगलोर की एक कंपनी है। तो चलो जल्दी से इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो गाइज चलिए ये पहुंचा हमारे पास एक पार्सल, तो जल्दी से हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है शिप टू शक्ति सिंह, और ये कहाँ से भेजा गया है मैं आप बता देता हूँ, शिप बाय बोबो। तो ये आइटम मुझे भेजा गया है बैंगलोर से, इसके अंदर क्या है देखते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। ये ओपन, वाओ, ये आप देख सकते हैं बॉक्स, बॉक्स के ऊपर एक स्लिप लगा, थैंक्स फॉर योर ऑर्डर शक्ति टीम बोबो। तो थैंक यू वेरी मच। बाइक फोन होल्डर्स मेरे पास पहुंच चुका है, तो इसको देखते हैं। 4 इंचेस से लेकर 6.5 इंचेस के फ़ोन के लिए यूज़फुल है ये, स्पेशली बाइक फ़ोन होल्डर, ठीक है। तो इसको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा बोबो का लोगो वगैरह लगा है, डिस्क्रिप्शन वगैरह लगे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लगी है। तो ओके, ये वारंटी वगैरह, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ फिलहाल। केसिंग ये आप देख सकते हैं, ओके ये ओपन होगा कहाँ से, यहाँ से यो। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको कार्ड मिल रहा है जो VIP क्लब कार्ड है इसका, ठीक है, बोबो का, जिसमें लिखा 6 मंथ वारंटी, 500 ज्वाइनिंग बोनस वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और पूरा डिटेल बताया गया कैसे आप इसमें रजिस्टर भी कर सकते हैं। और आगे क्या चीज़ भेजी है ये ओपन करता हूँ एक एक चीज़। तो आप देख सकते हैं मेन चीज़ है ये आपका मोबाइल फ़ोन होल्डर, और इसमें USB चार्जर्स भी यहाँ पर लगा हुआ है, USB चार्जर पॉइंट, ठीक है, USB चार्जर पॉइंट बना हुआ है। और यहाँ पर एक बॉटम में आप देख सकते हैं ऑन ऑफ का स्विच भी बना हुआ है छोटा सा, ठीक है, ऑन ऑफ दिख रहा ना, छोटा सा ऑन ऑफ का बटन। अराउंड 1.5 मीटर का इसका वायर भी दिया गया है साथ में, ठीक है, और काफ़ी अच्छा वायर है, आप खोल के इसको देख सकते हैं। ये देखिए अराउंड अप्रॉक्स 1.5 मीटर के आसपास का वायर है, और मैं क्वालिटी वाइज बात करूँ तो बहुत ही स्टडी क्वालिटी का बना है, बहुत ही अच्छा। मुझे ये तो लग रहा है मेटल है बॉटम, पर ये मेटल नहीं है, कोई सॉलिड प्लास्टिक से बना है और अच्छा खासा ग्रिप रखता है। इसी के साथ इसमें मुझे क्या मिलता है एक एक चीज़ को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ, इसको मैं निकाल के दिखा लेता हूँ। ये है मेटल बकल के साथ है इसका, ये जो पूरा चीज़ देख रहे हैं वो बकल जो बना हो इसका मेटल में है ये पूरा। इसके साथ एल कीज दी गई है जिसको आप हैक्स की भी बोलते हैं, काफ़ी अच्छा सॉलिड आइटम है ये, काफ़ी स्टडी है। आप देखिए साउंड देखिए, ठीक है, सॉलिड आइटम है, मेटल में है। और इसमें मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को डाई मिला है 22 mm का डाई मिला है, जो कि मुझे प्लास्टिक का ही लग रहा है, आई थिंक प्लास्टिक ही है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा डाई भी मिला है जो 25 mm के आसपास का डाई है, प्लास्टिक का डाई है। और इसके साथ एक मुझे मिला ये टेप है ये यूज़ करने के लिए, और काफ़ी सॉलिड है ये, इसका जो स्टफ़ है वो काफ़ी स्टडी है, ये हम इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। और ये एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ मिला है, जो फ्यूज़ लगता है वो इसके अंदर फ्यूज़ लगा है, ठीक है, अगर मान लो इनके फ्यूज़ हो जाता है तो इसको निकाल के आप दूसरे इसको लगा सकते हैं। ये जो साथ में मिला है ये एक ख़तरनाक सी चीज़ लग रही है, स्टार्टिंग फेज में तो मुझे समझ भी नहीं आया क्या है। जब मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा इसमें साफ साफ लिखा रियर व्यू मिरर माउंट स्पेशली फॉर स्कूटर्स के लिए बना हुआ है, ठीक है, और काफ़ी सॉलिड है यार, स्टडी। पर सबसे अच्छा जो इसका खासियत थी, इसका मेन बॉडी मुझे बहुत ही पसंद आया। अगर मैं बोबो के इस बाइक फोन होल्डर्स की बात करूँ तो ये बहुत ही सॉलिड चीज़ है मेरे हिसाब से, तो अगर मैं इसको मार्क्स दूँ तो 10/10 होगा। तो चलिए जल्दी से इसको देखते हैं अपने बाइक में इंस्टॉल करके ये कैसा चीज़ है। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि ये जगह कौन सी ठीक रहेगी, कुछ कुछ ऐसा लगाएंगे हम इसको। और अब हम इस नट को यहाँ से ऐसे लगाएंगे बॉटम से,
अब ये हमारा जो बोबो का मेन यूनिट बना हुआ है, तो इसको हम इसके ऊपर अच्छे से ऐसे यहाँ से हम इसको पुश कर लेते हैं। देखिए करना क्या है, सिंपल सा काम है, पहले इसको लूज़ करना है, हल्का सा लूज़ किया, उसके बाद इसको ऊपर से ऐसा लग गया एंड यस अब ये लग गया, और बॉटम से इसको हम टाइट करेंगे इस टाइप से। जैसे इसको हम टाइट करेंगे ये एडजस्टमेंट करता है। अब इसका एक एडवांटेज है, आप ऊपर से देखिए, अगर मैं यहाँ पर फ़ोन जोड़ता हूँ लाइक, तो इसको मैं मूव करवा सकता हूँ जैसा भी चाहूँ। आप देख सकते हैं केबल काफ़ी लंबी दी गई है, तो इस केबल को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से। तो अब हम खोलते हैं अपने सीट को, ठीक है, ये निकाल दिया हमने सीट, सीट को रखो साइड। टंकी के पास से स्पेस बना होता है यहाँ से काफ़ी अच्छा स्पेस होता है, तो वहाँ से हम ले जाएंगे इसको ऐसे ऐसे करके घुमा के थोड़ा सा। बैटरी में आप देखिए ये है रेड पॉइंट रेड एंड इसको इधर। तो इसको जोड़ना कितना आसान है, हमने वायर जोड़ने में थोड़ा टाइम लगा होगा, पर इसको जोड़ना बहुत ही आसान है। जोड़ दिया, अब जोड़ने के बाद आप क्या करते हैं, एक बार ट्रायल के तौर पर देख लेते हैं कि ये चार्ज कर रहा कि नहीं। तो मैं अपने फ़ोन को एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए अब फ़ोन को इसके ऊपर कैसे लगाते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जब मैं इसको लूज़ कर रहा हूँ, ये पूरा एडजस्टमेंट को खोल रहा है एंड मैं इसको फ़ोन को इसमें आराम से ऐसे लगा लेता हूँ, और उसके बाद इसको टाइट कर लेता हूँ। ठीक है, टाइट कर लेता हूँ, और इसमें जैसे मैंने इसको टाइट किया, आप देखिए मैंने इसको प्रॉपरली टाइट किया। टाइट होने के बाद ये इतना अच्छा ग्रिप बनाता है कि अगर आप खींच के भी इसको निकालने की कोशिश करें तो ये निकलेगा नहीं। ये एक मेरे को सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी। ठीक है, तो अब ये जुड़ गया है, अब मैं इस केबल को जोड़ता हूँ। इसके नीचे बॉटम में एक ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर USB पोर्ट दिया है जो कि वाटरप्रूफ पॉइंट दिया गया है। इसको मैं यहाँ पर जोड़ के दिखाता हूँ, और सबसे अच्छी बात बताता हूँ, ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 3.0 USB के साथ है, और मैं इसके यहाँ पर इस केबल को जोड़ लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिए इसको मैंने जोड़ा है, और बैटरी आप मेरा फ़ोन देख सकते हैं। अब मैं चार्जिंग के लिए इस पॉइंट्स में अपने केबल को जोड़ लेता हूँ। चार्जिंग शुरू, आप देख सकते हैं चार्जिंग शुरू हो गई, आप टॉप पर देख सकते हैं चार्जिंग शुरू हो चुकी है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब मैं चाहूँ तो अपने बाइक के ऊपर स्क्रीन को इस टाइप से रख लूँ, कुछ इसको टाइट किया, तो दैट मीन्स कि इसका एक एडवांटेज है मेरे पास कि जब मैं बाइक राइड करूँगा, आप देखिए GPS या समथिंग कुछ भी मैं एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता हूँ, ये कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो गाइस ये लग गया है, चार्जिंग हो रही है। बैटरी से हमारे इस मेन यूनिट्स के साथ जो तार लगा, अगर वो डैमेज हो जाता है तो कमिंग डेज में मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली USB केबल को इसके साथ जोड़ सकता हूँ। तो चलो ये हो गया सेटअप, अब लगा देते हैं सीट कवर, और इसका एक डेमो ले लेते हैं, बाइक को चला के भी देखते हैं चलते हुए GPS वगैरह कैसा लगता है, वो भी सारी चीज़ें हम देखते हैं। चलो ट्रायल भी ले लेते हैं इसका। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा हो चुका है, और मैंने अपना ये GPS लगा दिया है, और लोकेशन हमने डाल दी है, और देखिए ये प्रॉपरली काम कर रहा है। तो गाइज अगर मैं बोलूँ पूरा डिटेल, आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर कि GPS पूरी अच्छे से मुझे पूरी डिटेल बता रहा है, और मुझे इसको चेक करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये है इसका एडवांटेज, ठीक है। तो होल्ड मोबाइल बहुत ही अच्छे से ग्रिप किया है, बहुत ही अच्छे से इसको होल्ड मिला हुआ है, और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं इतने कच्चे से रास्ते से गया, काफ़ी टफ रास्ता, अदरवाइज़ क्या होता है कि बहुत बार होल्डर्स हमारे लूज़ होते हैं जो आसानी से निकल जाते हैं। इवन मैं अगर खींचना भी चाहूँ तो ये यहाँ से खींच नहीं पाएगा, तो दैट मीन्स इसका ग्रिप बहुत ही सॉलिड है। तो गाइस फाइनली हमारा ये सेटअप बन गया। अगर इस बाइक फ़ोन होल्डर्स की कॉस्ट की बात करें तो ये कंपनी जो बता रही है वो अराउंड 3500 के आसपास बता रही है, 3500 के आसपास की कॉस्ट है। पर मे बी आपको अगर इसे प्रोडक्ट पसंद आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज दूंगा, जहाँ से आप इसको ले सकते हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल से भी आप इस चीज़ को ले सकते हैं, पर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल भेज दूंगा जहाँ से आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। और अगर मैं कहूँ इस प्रोडक्ट के बारे में, इस मोबाइल जो बाइक फ़ोन होल्डर्स के बारे में, तो मैं इसको 10/10 मार्क्स दूंगा। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा, मुझे बहुत ही पसंद आया। बात है एक तो स्टडी आइटम है, और इसका जो ग्रिप है वो बहुत ही सॉलिड है,
स्टडी है और ये आसानी से जाएगा भी नहीं, और सपोर्ट ही है, और सबसे अच्छी बात है इसको निकालना और जोड़ना भी बहुत ही आसान काम है, ठीक है। तो गाइस आज आप बताइएगा कि आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा। तो गाइस फाइनली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और लाइक का जो बटन है उसको भी, है ना, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी पक्का कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी नए टॉपिक पर किसी नए लोकेशन के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जहां रहिए सेफ रहिए। सी यू, बाय बाय।